फोनूस दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो व्यक्ति यहां पर आप देख पा रहे हैं और इन्हें CIA वन की जो शाखा है उनके द्वारा किस तरीके से पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। बता दें लगातार जो है ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसकी चोरी की वारदातों को ये अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर जो कि इनका खुद का ट्रैक्टर है और साथ में तीन ट्रॉलियां ये देख सकते हैं, तीन ट्रॉलियां जो कि पीछे की ओर देख रहे हैं और दोनों ही बता दें तो जो सभी जो दोनों युवक बताए जा रहे हैं वो 25 साल या 25 से 27 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। एक का नाम सोनू है तो दूसरे का नाम ऋतिक है। जो आप देख रहे हैं CIA की टीम को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि बता दें तो किस तरीके से जो ट्रॉली है उनकी ये चोरी करते थे। बकायदा ट्रॉली काफी महंगी होती है और बता रहे हैं यूपी की तरफ जो है इन्हें बेचा जाता था और अभी फिलहाल देख सकते हैं CIA की जो टीम है उन्होंने उन्हें किस तरीके से गिरफ्तार किया, ये पूरी जानकारी हम जरूर उनसे लेंगे। फिलहाल सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की CIA वन शाखा की और यहां पर दोनों ही जो युवक बताए जा रहे हैं वो रिश्तेदारी के अंदर है, आपस में ही जो है दोनों मिलकर जो है ये काम कर रहे थे और अभी देख सकते हैं उनका ये ट्रैक्टर है खुद का और पीछे जो ट्रॉलियां हैं देख पा रहे हैं, ये दो ट्रॉलियां और एक ट्रॉली और यानी कुल तीन ट्रॉलियां यहां पर देख रहे हैं। सर क्या कुछ बताएंगे? सर ये हमने कल जमनाबांध से दो आरोपी हैं, एक सोनू एक ऋतिक जो पहले यूपी के रहने वाले हैं, इवन मुझे एक लड़का सोनू है कैमला गांव में रह रहे हैं, इनको ये ट्रैक्टर है आयशर इसका खुद का है, इसने यहाँ से एचड़ा गांव से दो ट्रॉलियाँ चोरी की और एक ट्रॉली पिचोड़िया गांव से, हमने इनसे तीन ट्रॉली और एक ट्रैक्टर ये दो बरामद कर लिए हैं और एक मोटरसाइकिल और तीन ट्रॉलियाँ और बकाया है, वो हम इनसे आज अदालत में पेश करेंगे, फिर दौरान रिमांड इनसे वो रिकवरी करेंगे। इन्होंने खुद बताया है कि अभी एक बाइक और तीन ट्रॉली, इन्होंने खुद माना है भाई हमने और तीन ट्रॉली और एक बाइक और चोरी की। चोरी आदत से तीन की या फिर नशे के लिए करते हैं? सर चोरी नशा भी करते हैं लेकिन आगे बेचेंगे तो जिम्मेदार से बेचेंगे किसी को। हाँ अभी देखें वो अगली जो ट्रॉली है उनके बारे में देखें कहाँ से रिकॉर्ड कराते हैं, ये तो बेच सर पहले रेकी करते थे, ये एक ट्रैक्टर लेकर उसको गांव में घूमते था, ट्रैली खड़ी दिखती उसको जोड़ी चल भाई। तो पहले कभी पकड़े नहीं गए? नहीं पहली बार पकड़े गए, पहली बार पकड़े गए। कहाँ से काबू किया इनको? हमने जमनाबांध से काबू किया। इस बारे में हम बता दें तो बकायदा CIA वन की शाखा में जो पूरी की पूरी जो जानकारी है हम आपको वो भी पहले दिलवाने का प्रयास करते हैं। सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें, पहले देख लें ये ट्रैक्टर और पीछे की ओर जो ट्रॉली आप देख रहे हैं ये इनका खुद का ट्रैक्टर है और कुल तीन ट्रॉलियां आप देख रहे हैं जो कि इनसे रिकवर यहां पर हुई हैं। अभी एक बाइक और तीन ट्रॉलियां अभी और रिकवर करनी बाकी हैं। पहले बता दें तो बकायदा कोर्ट जो है अभी मांगा जाना है और इसमें अभी आगे और कार्रवाई की जानी है। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एंटी व्हीकल थेफ्ट के हमारे इंचार्ज दास की उनकी टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सोनू है जो कैमला रहता है लेकिन रहने वाले ये सहारनपुर के हैं। इसके साथ इसका एक चाचा का लड़का है जो इसका नाम ऋतिक है, ये हमने कल ये यमुना बांध से जो है गिरफ्तार किए हैं। ये अपना ट्रैक्टर रखते हैं खुद और ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली बांध के और चोरी करके उसको लेके जाते हैं, तो कल हमने इनको पकड़ा है। तो दो ट्रॉलियाँ जो है इसके ट्रैक्टर के साथ बंधी हुई थी, हमने उस मौके पर पकड़ी, दो ट्रॉली में बरामद की है। उसके बाद एक ट्रॉली और हमने इसे बरामद की और तीन ट्रॉली इसकी बरामद हुई है। जो दो ट्रॉली जो चोरी की थी वो पिचोलिया गाँव से की इसने, एक पिचोलिया से और दो करी थी अचेला गाँव से मुड़क थाने से, तीन ट्रॉली इसने चोरी की है और ट्रैक्टर इनका खुद का है, तो ये लोग जो है यूपी में ही इसको बेचते थे। और अभी इनके चार वारदात और हैं जो हमने बरामद करनी है और रिमांड पे हम इनको लेंगे, जिनमें एक मोटरसाइकिल भी है। ये सारे कुल कितनी वारदातें हैं सर? इनको कुल छह वारदात इन्होंने की अब तक, बाकी अभी रिमांड पे लेंगे तो और पूछताछ सामने आएगी तो आगे सर, और भी लोग हैं सर शामिल, दो ही है सर अभी? तो दो ही शामिल सामने आए हैं, बट फिर भी डूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो सामने आया उस पर। युवक की उम्र कितनी है सर? इनकी उम्र करीब 24-25 साल के आसपास है। और कितने समय से करें कुछ पता है? ये लगा लो आपकी तीन साल से लगा लो आप, तीन साल से। तो क्या नशे के आदी हैं या कुछ? नहीं नहीं, इनका काम यही है चोरी करना, चोरी के सबसे मौज मस्ती करना। यूपी लेकर जा रहे जी? यूपी लेकर जा रहे जी। तो कहीं ना कहीं आगे और भी संपर्क हो
होंगे सर इनके साथ? हाँ, वो सारा पूरी डीपली जाके हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल रहे हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं, उनको सभी को गिरफ्तार करें। इस तरह से इनपुट मिली थी सर उनको, जिस तरीके से जी 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 को सर कैसे नाम वगैरह दिए? ये जो लावारिश टोली जैसे खड़ी होती थी, उनको मौका देख के कैप्टन के पास होता था खुद का, वो लगा के जोड़ के भेजते थे उसको। चोरी के मामले हैं सर? पहले कभी पकड़े गए हैं कोई मामला? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए, फर्स्ट टाइम पकड़े गए हैं, बट अब सारी इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। दोनों के नाम सर जिस तरीके से बता रहे हैं, नाम क्या क्या है? जी जी, इनका नाम है सोनू है, सन ऑफ जगदीश वासी नीरू खेड़ी, और दूसरा है रितिक कश्यप है, सन ऑफ सतीश कुमार, ये तबरकपुर थाना चित्रो जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं, और लेकिन सोनू जो है ये केम लगाओ घरोना में रहता है, ये चाचा तमाम भाई है। हाँ जी जी जी, हम इनका रिमांड की रिपोर्ट पेश करें रिमांड। तो जिस तरीके से हमने आपको अभी बकायदा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पूरी जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर किया, और यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीरें जरूर देख पा रहे होंगे, उन दो ट्रॉलियाँ इधर हैं और एक ट्रैक्टर और ट्रॉली इधर है, ट्रैक्टर उनका खुद का है, और वारदातें जरूर हो रही हैं, लेकिन ये भी है कि जो सीआई की जो शाखा है वो लगातार ऐसे लोगों को जो धड़ पकड़ के कर रही हैं, और अभी इनके और कहाँ कहाँ पर जो है इनके लिंक्स हैं, कौन लोग इसमें और शामिल हैं, अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। बता रहे हैं पहली बार ये पकड़े गए हैं, इससे पहले कोई रिकॉर्डिंग का नहीं है, लेकिन फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे ध्यान रखिए, जो लोग गांव में हैं या अन्य जगहों पे हैं जिनकी भी ट्रॉलियां इस तरीके से खड़ी होती हैं, कोशिश कीजिए उनको किसी तरीके से पूरा सेफ जगह पर रखें ताकि इस तरह की वारदातों से बचा जा सके। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर